दोस्तों मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि जो मध्य प्रदेश में एक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है, वहां पर 2 साल पहले शुरू हुई जो बेकलाक पदों की भर्ती, मतलब जो एससी एसटी ओबीसी के जो पद है जो खाली पड़े थे उसकी भर्ती 2 साल पहले शुरू हुई, लेकिन अब वो विवादों में आ गई है और ये मामला पहुँच गया है हाईकोर्ट और कोर्ट ने इस नियुक्तियों पर, इस प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है जब तक कोई फैसला आ नहीं जाता है। आखिर ये मामला क्या है, आप इसे जान लीजिए। आपको बता दें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पिछले 14 सालों से कोई भर्तियां नहीं हुई थी और बेकलाक पद तो खाली पड़े थे, मतलब एससी एसटी ओबीसी के जो पद थे वो खाली थे। उन पदों पर नियुक्ति के लिए 5 जुलाई 2021 को विज्ञापन निकाले गए जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अब मामला ये आता है कि आवेदन तो कई आए लेकिन स्क्रूटनी के बाद कहीं एक कहीं दो ऐसे उम्मीदवारों को पात्र समझा गया, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जिन्हें पात्र समझा गया उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। मतलब ये जो सारी प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया को यदि हम कहें कि रोक दिया गया या बंद कर दिया गया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों को पात्र समझा गया, मतलब वो सारी योग्यता रखते हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय प्रमुख से बात की, जो संबंधित जो सक्षम अधिकारी है उनसे बात की, उनसे इस पर चर्चा की, तो उनका जवाब यही आया, हम एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, उसके बाद फिर से आप आवेदन कर देना। लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि हम यही काम करते रहेंगे क्या, जब हम सक्षम हैं, पात्र हैं, योग्य हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही, हमें इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा है। ये दोस्तों उनका सवाल था, उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किए लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी एक ना मानी। तब मजबूर होकर इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आपको बता, न्यायालय की ओर से इस प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता संतोष ग्रेवाल का कहना है कि बेकलाक पदों पर प्रशासन के नियमानुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है लेकिन हमें नहीं बुलाया जा रहा, आखिर ऐसा क्यों। याचिकाकर्ता के वकील विवेक फड़के का कहना है, जो पात्र अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, उन्हें साक्षात्कार पे नहीं बुलाया जा रहा है। कारण सिर्फ एक है कि जो विधायक, मंत्री, अफसर और कुछ प्रोफेसर, वो चाहते हैं कि उनके आदमियों को एडजस्ट किया जा सके। दोस्तों ये काफी गंभीर मामला है और मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ा मामला आप जानते ही हैं कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में ही घटित हुआ था। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी, जो व्यापम घोटाले का क्या हुआ, उसके दोषी कौन है, उसके मास्टरमाइंड कौन है, जांच क्या चल रही है और उसका नतीजा क्या हुआ, ये पूरे देश के लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये सब क्या चल रहा है, जब एससी एसटी ओबीसी के जो बेकलाक पद हैं, जहां पर पात्र उम्मीदवार भी हैं लेकिन उन्हें इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की जा रही है, उनकी नियुक्ति में क्यों अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, क्यों रोक लगाई जा रही है, ये सब क्या चल रहा है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। आप देख रहे हैं WLBS News, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।